की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। चलो अम्बराज, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुरुषोत्तम नायक पुजारी है, तहसील नौगांव जिला छतरपुर। तो आज किसको लेकर आए हैं आप साधु? रामचंद्र जी के जो गढ़ हैं हनुमान जी, उनको लेकर के आए। कहाँ पर आए हो लेकर? कलेक्ट्रेट में आए हैं, जनसुनवाई में। जनसुनवाई में आए हैं। तो इनको ले आने की क्या जरूरत पड़ी? इनकी ले आने की ये जरूरत है कि जब से जीत गए तब से उनको जगह ही नहीं मिल पा रही, तो हम ले लें फिर 2016 से। क्या विवाद क्या है? विवाद यह है कि मंदिर की जमीन को लिखा दिया था, नहीं कि हमारे पर होती है वो मंदिर को पटवारी से तहसीलदार से मिलकर के करवा दिया था, उसी की संपत्ति को भी निकाले। इसके बाद में जो हमें जमीन जो है केस में लगाया है, जमीन तो वो इनके नाम निकल गया मूर्तियों के, और 2014 में जो मूर्तियां रखी थी उनको उन्होंने हटाया जा, वो हम आंसर में बैठना चाहते हैं कि जब भगवान को भी जमीन पे आए या पटवारी प्रशासन के लिए तो आदमी देख कितना ही अत्याचार भ्रष्टाचार हो, इसलिए आंसर पर बैठे थे जब तक अगर भगवान को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम भगवान को लेकर के। हाँ, मैं 2016 से हूँ लगातार, हर एक आध मंगलवार सोचता हूँ भगवान लेकर के अपने हाथ, मतलब आवेदन लेकर के कुछ ना कुछ लेकर के हम। तो क्या भगवान को न्याय नहीं मिल रहा? न्याय भगवान को मिल रहा हमको, हमें क्या जरूरत है? भगवान के नाम है कलेक्टर पे विराजमान है, कलेक्टर ना सुने और ये भगवान की ना सुनते आम जनता। तो कलेक्टर बड़े हैं क्या भगवान? आप तो कलेक्टर तो वही समझे के कलयुग में, हम ये कलयुग है, कलयुग में कहा भगवान है। तो बब्बा जी भटक रहे हैं, बब्बा जी भटक रहे हैं, बताए भगवान के। अब जब बड़ापू हो जाए, जब लड़कन बच्चन की लाने दिक्कत आए तब कहेंगे भगवान आज कहाँ है, आज तो राज कर रहे हैं। कब्जा किने कर लो जमीन पे, कलेक्टर भ्रष्टाचार की मैं बेहतर सीधा है, लेकिन सुनियो अब हम कह रहे हैं कि 1,00,000 रुपया खाए वो भी उन्हें यहाँ का सुनियो, उनको भ्रष्टाचार ही नहीं। कब्जा कौन की है? कब्जा फुलवारी के राजपूत है, लखन राजपूत है, शंकर राजपूत है, और नंदू राजपूत है, निर्मा के सुकन पाठक है, ये सब मिल करके उत्तर प्रदेश से लगभग उत्तर प्रदेश के भी बदमाश। ठीक है महाराज।